हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पहले आप ये सुन लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हाइपर मोड है और बैटरी फुल है, फिर भी ये लो बैटरी दिखा रहा है और आउट ऑफ चार्ज हो रहा है और पार्किंग मोड में जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम मैं काफ़ी टाइम से फेस कर रहा था। मैंने सर्विस सेंटर को बुलाया है, पर वो लोग आके भी गए तो उन लोगों ने आर एस ए करने को बोला, सर्विस सेंटर पे ले जाने के लिए बुलाए, पर 3 दिन हो गए ये बात को, पर 3 दिन में ये लोग आए नहीं है। मेरी ओला पड़ी हुई है। तो जैसे कि देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली, ये आप देख सकते हो, बार बार ये एरर आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर के आसपास हो गया है। तो 4000 किलोमीटर में ओला ने दम तोड़ दिया है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि हीटिंग का प्रॉब्लम, ब्रेकिंग का प्रॉब्लम, ये बैटरी का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आ गए, और आगे की डिस्प्ले में से भी आवाज़ आ रही है, तो ये प्रॉब्लम भी आ गया है। तो जब मैंने सर्विस सेंटर वालों को बोला ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग आए, एक दिन बाद आए, चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने आर एस ए करने का बोला कि सर हम वहाँ पे ले जाएंगे, ये आपका जो ओला है उसमें हम डमी करेंगे, डेमो करेंगे, डमी करके ये हेड ऑफिस से चेक होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब चेक करने के बाद आपको वापस देंगे, या तो फिर रिकॉल भी करना पड़े, तो शायद से ये मेरा ओला रिकॉल भी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों ने अभी तक सर्विस के रिलेटेड कोई भी इतना सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं दिया है। तो मतलब आप एक आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर भी चलो, मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा चली होगी कोई ओला अभी तक, चली होगी तो पता नहीं है, पर 4000 किलोमीटर में ये इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अभी। तो आप सोच सकते हो कि सर्विस के रिगार्डिंग ऑलरेडी प्रॉब्लम है ओला वालों में, तो ये तो सॉल्व करने में इन लोगों को हफ्ता 10 दिन लग जाएगा। तो तब तक हफ्ते 10 दिन में हम क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम उन लोगों के पास ये भी सॉल्यूशन नहीं है कि दूसरी ओला दे या कुछ भी करे, ठीक है, तब तक आप लटकते रहो। मतलब बंदा जो भी यूज़ कर रहा है उसको मतलब लटका दो, ओला ले जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक, नहीं होती है तो भी ठीक, कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा कुछ भी डिसाइड नहीं है इन लोगों के। और कोई भी आंसर होता है सीधा सर्विस सेंटर को, मतलब इधर कॉल लगाएंगे, उधर कॉल लगाएंगे, हमें फ़ोन पकड़ के बैठे रहना है बस। तो ये थर्ड कैटेगरी की चीज़ है। मतलब सोच समझ के ये बात लेने के पहले ये सोचना चाहिए कि भाई ये हम ओला ले के ना ले, सर्विस के रिगार्डिंग इन लोगों का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये पूरी तरीके से फेल है ओला, क्योंकि सर्विस ही मेन होता है जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है, पर ये तो ज़ीरो है। ठीक है, देखते हैं अगर वापस आती है किस तरीके से आती है। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको वीडियो में बेहतर रहूँगा वापस आने के बाद ओला का क्या होता है। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब।